हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा फाइनल डेस्टिनेशन मूवी के पार्ट 3 का। हमने फाइनल डेस्टिनेशन के फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का वीडियो बनाया था। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पार्ट को देखने से पहले आप अगले दोनों पार्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देख लें, जिससे आप मूवी के कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सके। मैं दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। ईयर 2006 में रिलीज हुई फाइनल डेस्टिनेशन 3 को IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटोज पर इसे 43% स्कोर मिला है और ऑडियंस स्कोर 57% मिला है। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फाइनल डेस्टिनेशन के फर्स्ट पार्ट में प्लेन क्रैश, सेकंड पार्ट में कार एक्सीडेंट दिखाया गया था। थर्ड पार्ट की शुरुआत होती है चार फ्रेंड से जो कि थीम पार्क में घूमने के लिए आते हैं। फिल्म की लीड कैरेक्टर वेंडी नाम की एक गर्ल है, जिनका रोल मैरी एलिजाबेथ विंस्टन ने प्ले किया है, जिन्हें हम द थिंग मूवी में भी देख चुके हैं। अब विंडी आज कुछ अजीब फील कर रही थी। अब वह चारों एक रोलर कोस्टर राइड पर जा रहे थे, तभी वेंडी अपनी बॉयफ्रेंड जेसन से कहते हैं कि उसे राइड से डर लगता है और आज उसे ठीक भी नहीं लग रहा, पर वो आखिर उसे मना लेता है। विंडी अपने कैमरे से वो सारी मोमेंट्स कैप्चर कर रही थी बस एक यादगारी के तौर पर। अब वो सब लोग उस रोलर कोस्टर राइड के लिए रेडी हो जाते हैं। राइड शुरू होती है, सब ठीक था, पर अचानक रोलर के व्हील्स निकल जाते हैं और देखते ही देखते राइड बेकाबू हो जाती है और उस राइड पर बैठे हुए सभी लोग एक एक करके नीचे गिर के मर जाते हैं। आखिर में राइड उछल कर नीचे गिरती है, तभी विंडी भी वहां मर जाती है और रोलर कोस्टर की राइड डेथ राइड बन जाती है। अब अचानक विंडी की आंख खुलती है, वह बहुत डर गई थी। अब वह घबरा कर वहां पर चिल्लाने लगती है कि प्लीज सब लोग राइड से उतर जाओ, यह खराब होकर नीचे गिर जाएगी और हम लोग मर जाएंगे। तो वहां पर सिक्योरिटी आकर उन्हें राइड से उतार देता है। तभी वहां पर लुइस नाम का लड़का वेंडी का मजाक उड़ाता है, तो वेंडी का फ्रेंड केविन उसके साथ झगड़ने लगता है। अब उनकी फाइट से परेशान होकर कुछ लोग उस राइड से उतर जाते हैं। अब सब लोग वेंडी को समझाकर शांत कर रहे थे, तभी वह रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट हो जाती है, जिनमें वेंडी का बॉयफ्रेंड और उसकी कैरी नाम की फ्रेंड भी थी। देर बाद उन लोगों को एक धमाके की आवाज सुनाई देती है। वो लोग देखते हैं तो वह राइड टूटकर नीचे गिर रही थी और थोड़ी देर में उस राइड पर सवार सभी लोग मारे जाते हैं। वेंडी उस सदमे से अभी बाहर नहीं आ सकी थी। केविन वेंडी को समझाने की कोशिश करता है कि आखिर इन सब में तुम्हारा कोई कुसूर नहीं है, आज उस राइड से उतरने वाले लोग तुम्हारी वजह से ही जिंदा है। पर वेंडी अब किसी अपने को गंवाना नहीं चाहती थी, तो वह केविन से कहती है कि वो अब बस अकेले ही रहना चाहती है। वेंडी के दो फ्रेंड्स जो उस राइड में बच गई थी, वह स्टीम मसाज के लिए एक मसाज सेंटर पर आती है। वेंडी अपने कैमरे से कैप्चर की हुई तस्वीरें देख रही थी, तभी उसकी दो फ्रेंड्स एस्ली और एस्लिन की फोटो आती है, तो विंडी को साइन मिलती है। वह उन लोगों को फोन करती है, पर तभी स्टीम मसाज बॉक्स में वह दोनों फंस जाती है। अब टेम्परेचर अपने आप बढ़ने लगता है और फिर उस बॉक्स में आग लग जाती है और एस्ली और एस्लिन उसमें जलकर मर जाती है। विंडी को अपनी दोनों फ्रेंड्स के डेथ की खबर मिलती है, तब वो केविन से मिलती है और उसे बताती है कि उसे साइन मिला था कि एस्ली और एस्लिन के साथ जरूर कुछ बुरा होने वाला है। अब विंडी केविन को कुछ तस्वीरें दिखाती है, वो जेसन की और फिर एस्ली और एस्लिन की तस्वीर दिखाती है, जिनमें वो साइन क्लियरली दिखाई दे रहे थे और ऐसी बहुत सारी तस्वीरें विंडी ने कैप्चर की थी। अब केविन भी विंडी से वो प्लेन क्रैश वाली बात करता है और कहता है कि उस प्लेन से बच गए लोग नंबर के हिसाब से एक एक करके मारे गए थे, तो वह दोनों भी उस नंबर को चेक करने में लग जाते हैं। उस नंबर में अगली बारी फ्रेंकी की थी। अब विंडी और केविन एक जगह पर खाना ऑर्डर कर रहे थे, तभी विंडी को एक और साइन मिलती है और अचानक एक ट्रक उनकी ओर चली आ रही थी जिसकी ब्रेक फेल हो चुकी थी। वह दोनों उसमें से बच जाते हैं, पर ट्रक उनके आगे की कार से टकरा जाती है और उस कार में बैठे हुए इंसान की खोपड़ी फाट डालती है। अब विंडी और केविन देखते हैं तो वह इंसान कोई और नहीं पर उनका फ्रेंड फ्रेंकी ही था। अगली बारी लुइस की थी, तो केविन और विंडी लुइस को समझाने के लिए वहां पर जाते हैं, पर लुइस फिर उनका मजाक बनाता है और वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। तभी अचानक एक्सरसाइज मशीन में उसका सिर आ जाता है और वह भी वहां पर मारा जाता है। विंडी अपसेट हो जाती है, उसे अफसोस हो रहा था कि वो और केविन लुइस को नहीं बचा पाए। अब वह दोनों इयान और एरिन को मिलते हैं, क्योंकि विंडी को साइन मिली थी कि शायद लकड़ी की प्लेट की वजह से इयान की मौत होगी। अब वह लोग वहां पर थे, तभी लकड़ी की प्लेट इयान पर गिरने ही वाली थी, तभी विंडी उसे बचा लेती है, पर उस वक्त एरिन फिसल जाती है और ऑटो स्क्रू ड्राइवर पर गिरती है, तो वह स्क्रू ड्राइवर स्टार्ट हो जाता है और फिर बहुत सारे स्क्रू एरिन के सिर में घुस जाते हैं और वो भी वहां पर मारी जाती है।
अब एक एक करके विंडी के सारे फ्रेंड्स मर गए थे, पर उसने यंग को बचा लिया तो मौत ने अगले नंबर पे आने वाली एरिन को अपना शिकार बनाया। वो लोग समझ गए थे कि मौत की चाल समझकर अगर किसी तरह से वो बच गए तो शायद फिर उन पर से मुसीबत टल जाएगी। तभी विंडी को एक फोटो मिलती है जिसमें उसे सिर्फ एक ब्रेसलेट वाला हाथ दिखाई देता है और वो समझ जाते कि वो ब्रेसलेट उसकी बहन जूली का है। तो अब अगला नंबर जूली का था और फायर क्रेकर से रिलेटेड उसकी डेथ थी। अब जूली अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में गई थी तो विंडी जूली को बचाने के लिए निकल जाती है और उस पार्टी में केविन भी था तो वह भी जूली को ढूंढने में लग जाता है। उसे जूली मिलती है पर वह कुछ भी सुन नहीं रही थी और वहां से भाग जाती है। अब वहां पर कुछ लोग पटाखे जलाते हैं तो उसकी आवाज से गोडा डर जाता है और वहां से भागने लगता है। तो उसके पीछे बंधी हुई रस्सी में जूली का गला फंस जाता है और वो घोड़े के पीछे खींची हुई चली जा रही थी। तभी केविन उस रस्सी को काट देता है और राइट टाइम पर जूली बच जाती है। विंडी जूली को पूछती है कि रोलर कोस्टर पर तुम्हारे साथ कौन था, क्योंकि फोटो में उसे वह पहचान नहीं सकती थी और अगली बारी उसकी है। तो उसी वक्त धमाके से एक लोहे की रॉड उछलकर जूली की फ्रेंड पेरी को चीरकर उसके शरीर के आर पार हो जाती है और वह मर जाती है। अगली बारी केविन की थी और वह भी जलकर मरने ही वाला था। तभी विंडी उसे बचा लेती है। अब वहीं पर एरिन अपनी गर्लफ्रेंड यान की मौत से अपसेट था। उसे लग रहा था कि शायद विंडी की मौत से यह सिलसिला खत्म हो जाएगा। वो वहां पर विंडी से मिलता है और कहता है कि तुमने मुझे बचा लिया था जिसकी वजह से मौत ने अपना अगला नंबर यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड को मार डाला। अब मैं इस बात का बदला तुम्हें मार कर लूंगा। तभी एक बड़ा साइन बोर्ड उस पर गिरता है और उसके शरीर के दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मारा जाता है। अब सब खत्म हो गया था और विंडी जूली और केविन मौत से बच गए थे। अब उस हादसे के 5 महीने के बाद विंडी और जूली ट्रेन में जा रही थी। तभी फिर से अचानक विंडी को उस दिन रोलर कोस्टर पर फील हो रहा था ऐसा ही आज फील हो रहा था। वह दोनों इस बारे में बात कर रहे थे तभी अचानक उन्हें ट्रेन में केविन भी एक कोने में बैठा हुआ दिखाई दिया। वह तीनों आखिर एक साथ अचानक उस ट्रेन में मिल गए, पर यह कोई कोइंसिडेंस नहीं था। तभी अचानक ट्रेन पटरी से उतर जाती है और वहां पर बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। वे जूली मर जाती है। फिर थोड़ी देर बाद केविन भी मारा जाता है। लगभग सभी लोग उस हादसे में मारे गए थे, सिर्फ एंडी ही बच गई थी। वह रेलवे की दूसरी ट्रैक पर पड़ी थी और बहुत घायल थी और आगे कुछ भी समझ पाए उससे पहले उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन आती है और वेंडी को कुचल देती है और वह भी मारी जाती है। और बस ऐसे डरावने क्लाइमेक्स के बाद मूवी खत्म हो जाती है। अब इस मूवी के मेरे फेवरेट पार्ट्स फाइनल डेस्टिनेशन 4 और 5 की एक्सप्लेनेशन वीडियो में बनाऊंगा, आप उसे जरूर देखना। और फाइनल डेस्टिनेशन 3 की एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।